गाइस गुड मॉर्निंग, कितना तुसी सारे वेलकम टू टुडेज व्लॉग। स्वागत है थोड़ा सबदा। आई होप तुसी सारे वधिया होगे, कैंट होगे। तो आज मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में ही रेडी हूँ। टाइम हो चुका है, 9 बजने वाले हैं। कितनी साल हल्ला है नहीं, मैं तेज तेज बोलूंगी क्योंकि यार मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। आपको समझ आ ही गया होगा यार, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी फेवरेट जगह। व्लॉग्स देखते हैं, उनको पता है मेरे को एसएम वीडियो कितना ज्यादा पसंद है यार। 7 साल वहाँ काटे हैं, पसंद तो हो गई। दूसरा घर था मेरा, हुआ एसएम वीडियो। तो एक्चुअली मेरा एक सर्टिफिकेट लेके चली जाओ। इसको मेरे से बड़ी प्रॉब्लम है, कहती ले जा बिस्तरा उधर ही रह जा। मेरे को एक सर्टिफिकेट मेरा वहीं पे था पेंडिंग, तो वो आ नहीं रहा था। फिर मेरे को मेल आई कि आपका आ गया हुआ सर्टिफिकेट, तो मुझे लगा कि चलो लेके आते हैं। एंड साथ में एक फ्रेंड भी जा रही है वहाँ पे, तो फिर अकेले जाना थोड़ा वो जाता है। तो मैंने बोला चलो वो भी जा रहे हैं, साथ भी है, तो चलते हैं। फिर एसएम वीडियो मेरे को ड्रॉप करेंगे आगे तक, फिर वहां से बस लेंगे। यार लोकल में जाने का अपना मजा है, ऐसे तो पापा को भी लेके जा सकती थी, बट काफी देर से गए नहीं ना, तो वो चलो वो थोड़ा सा दिन पे एक्सपीरियंस करते हैं। वो ज्यादा ही तेज बोल रही है, सारे मनुष्य देख रहे हैं इसने केड़ी चाप दी एक्सप्रेस पकड़ी दी है। तो गाइज अभी चलते हैं, देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। मार दिया जाए गाइस, बताओ बाद। यार बैग निकाला मैंने, मैंने बोला चलो चलते हैं। यही मेरा लैपटॉप का बैग हुआ करता था, जो बेचारा जाता था हर बारी। गाइस मैं हूँ रेडी विद माय बैग। एंड यार पता क्या होता है, ऐसे जाते थे ना हम हर बार का रहता था, तो वो सारी यादें ना ताजी हो जाती हैं, फिर वो मजा आता है। तो इसीलिए चलो फिर चलते हैं, लेट्स गो। तो अभी हम निकल चुके हैं, पापा मेरे को छोड़ेंगे केसी, वहां से ले लूंगी मैं बस। वहीं पे फ्रेंड भी मिल जाएगी आगे। पहुंचने वाली हूँ केसी। यार पुराने दिन याद आ गए, जब कैब आती थी ना और पापा छोड़ने जाते थे, इतना रश लगा सुबह सुबह। बस में चलेगी तो चलेंगे। इतनी देर बाद बैठे ऐसे वीडियो नहीं मैं डोर पे। हम अपना शॉर्टकट ले रहे हैं। यूनिवर्सिटी का पहुंच गए हैं, यूनिवर्सिटी 2 घंटे लगा के कड़ी मुशक्कत के साथ अभी चलेंगे अंदर। यार मेरे को यहाँ इस जगह से इतना प्यार है ना, सीनरी काफी अच्छी है ना इसकी। यार दिन याद आ जाते, हाँ बोर नहीं होता बंदा। साल रह चुकी हूँ फिर भी नहीं बोर होती हूँ, और अच्छा लगता है। कितने भी पिक्चर्स ली होंगे तब भी पिक्चर लेने का मन। आज लेंगे ना हम पिक्चर्स, है ना, रेडी हो? ये बच्चों ने इधर पूरी प्रॉपर सारे ये एरिया देख के है उसका। सही में यार मजा आता था यार, मैं बड़ा मिस करती हूँ यूनिवर्सिटी को। जो बाहर के देखते हैं ना व्लॉग्स, जब मुँह से बाहर जो इन्होंने ऐसे वीडियो सीखी होते हैं, मैम जब जाओ ना या तो वीडियो कॉल कर लिया करो या तो व्लॉग प्रॉपर बनाया करो। यहीं से हम ऐसे वीडियो को देखते हैं। लगी हुई थी तो अब जाके थोड़ी फ्री हुई हूँ, तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बैठ के अब नेचर इन्जॉय किया जाए, यूनिवर्सिटी का व्यू यार इन्जॉय किया जाए। बच्चे कम ही दिख रहे हैं, आप देख सकते हो खाली दिख रही है। यहाँ पे कुछ टेंट लग रहे हैं, पता नहीं कोई प्रोग्राम है या क्या है, वो बाद में देखेंगे। पुराने दिन याद आ गए, पुराने टीचर्स भी मिले, आदमी तो पता भी लग गया मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, कहते बहुत अच्छा कर रहे हो यार, कीप इट अप। इतनी सारी अप्रिसिएशन मिली यार, बड़ा मज़ा आया। अपनी सुपरवाइज़र मैम से भी मिलेंगे, वो भी क्लास लेने गए हैं। अभी चलते हैं, देखते हैं कहाँ बैठे हैं फ्रेंड लोग बाकी। तो ये था मेरा कैबिन का रास्ता, इसको तो मैं कभी नहीं भूल सकती, यहाँ पे 5 साल दिए भाई। ये जगह याद है आपको, ये मेरा कैबिन हुआ करता था, बट अभी ये लॉक है, पता नहीं किसको मिला हुआ है। सो गाइज मैं यहीं खड़े होके पहले अपने पुराने दिन याद कर रही थी यार। मैं जब भी आती हूँ आप बोलोगे पुराने दिन ही याद करती है, क्या करूँ यार। आती है या तो क्या करूँ यार, इतना टाइम स्पेंड किया है, हर बारी याद करती हूँ। अभी बस खाने पीने जाएंगे, थोड़ा काम चल रहा था अंदर से, फ्री हो जाए फिर ग्रोसरी चलेंगे। तो ये लड़ियाँ लगी हुई हैं, रिसर्जेंस की तैयारी चल रही है। यहाँ पे फेस्ट होता है 3 दिन का रिसर्जेंस नाम से। यार ये रात को सारी ना ऐसी जगती हूँ कि सोचो कैसे लगता होगा, ये वाला एरिया वो वाला एरिया, है ना, रात को कितना अच्छा लगता होगा, ये वाला एरिया वो वाला एरिया, पूरा इन्होंने वो लड़ियाँ लगाई हैं। अभी मेल आई इनॉग्रेशन की, रिसर्जेंस की, 3 बजे 3 बजे प्रोग्राम है ऑडिटोरियम में। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ यहीं घूम रही थी, एक को उधर फोन आया, एक को उधर फोन आया। क्या कर सकते हैं, हमारा काम हो गया तो हो सकता है थोड़ी देर तक निकल जाएंगे वापस, पहले पेट पूजा कर लेते हैं। नेस्कैफे तो नहीं है, पता नहीं क्या है यहाँ पे, चलते हैं। रिसर्जेंस अटेंड करने का मन कर रहा है, क्या करूँ यार, काश मैं रुक पाती इधर। बंदरों का कहर जारी है। ये देखने क्या कर रहे हैं, मैच जाते टाइम हमारा पूरा रास्ता रोक देते थे ये। तो चलो गाइज अभी हम चलते हैं अंदर, पेट पूजा करते हैं।
पूरी यूनिवर्सिटी खाली पड़ी है, बस यहाँ कुछ हो रहा है। अक्षमा हेलो। मौसम तो बड़ा जबरदस्त हुआ पड़ा, आप देख सकते हो, मेरे को लगता है बारिश भी आ जाएगी थोड़ी देर में। सुनसान यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं लगती यार, भरी भरी अच्छी लगती है। हमारे टाइम पे फुल भरी रहती थी, यहाँ पे कुछ शायद पता नहीं क्या एग्जीबिशन है कि पता नहीं कोई इवेंट की प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं वो काम में लगे हुए हैं, कुछ उनको वो शीट वगैरह बना के देनी थी, तो मैंने आप जाओ कैबिन में आराम से करो काम, मैं बाहर का व्यू एंजॉय करती हूँ, क्योंकि यार बार बार आने का मौका नहीं मिलता, कभी कभार ही मिलता है। और सुबह हमें पूरे 2 घंटे लग गए यार आने के लिए, क्योंकि ना वो लोकल में आना था और बड़ी धीरे धीरे चल रही थी। तो मेरी फ्रेंड है जो अक्षमा, वो गाड़ी लेके आई थी, कहते यार मेरे को पता नहीं था तुम लोग लोकल पे, मतलब मुझे लगा कि आप जल्दी निकल गए इसलिए मैंने कॉल नहीं किया, नहीं तो हम गाड़ी में ही आते उसके साथ। तो अभी जाते टाइम हम इकट्ठे उसके साथ ही जाएंगे गाड़ी में। तो फिलहाल तो मैं बस यहीं मंडरा रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे फेस्ट होता है रिसर्जेंस करके, तो मैंने शायद उसके व्लॉग्स बनाए भी हैं। 3 दिन का फेस्ट होता है तो बड़ा मजा आता है, तो एकदम ना थोड़ी थोड़ी डेकोरेट भी की हुई है यूनिवर्सिटी, रात को अच्छा लगता होगा। मन कर रहा था रात को स्टे करूँ बट अभी कर नहीं सकते स्टे। को बच्चे मिले 2-3, कहते मैम रिसर्जेंस का आज इनॉग्रल है ऑडिटोरियम में आ जाओ। मैंने बोला हमने शायद निकलना होगा यार, 2:31 तो हो गए, 3 बजे तक बोल रहे थे निकल जाएंगे, 3 बजे फंक्शन स्टार्ट होगा। मेला अगर मैं यहाँ रही ज़्यादा देर तक तो आ जाऊँगी। मैं अपनी भी कभी परफॉर्मेंस हुआ करती थी, बैठ जाती थी मैं गाना गाने, अभी जो गए ना अभी बोल के गए चलो ना थोड़ी सी परफॉर्मेंस देके जाओ इनॉग्रेशन में, मैंने बोला नहीं मेला हमारे पास टाइम शायद कम होगा, हम निकल जाएंगे, नहीं तो मन तो है मेरा देखने का, पर आईडी कार्ड के बिना अंदर नहीं जाने देंगे ना, वो भी मसला है। तो मैं अभी वेट ही कर रही हूँ, उनका दोनों आएंगी फिर चलेंगे घर की तरफ। समझ आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये ना कुछ स्टॉल्स वगैरह लग रहे हैं खाने पीने के, रिसर्जेंस का जानी पहचानी आंटी लग रही है, आंटी और अंकल। मम्मा को आंटी बना दिया घर, तो मैंने मम्मा को कॉल किया ऐसे ही किया था, मतलब कहा क्या कर रहे हो, तो मम्मा कहते हम भी बाहर ही आए हुए किसी काम से गए थे, तो मेला मैं यहाँ पहुंच गई हूँ, कहते फिर 10 मिनट वेट कर सकती हैं तो असं आ रहे हैं। फिर मैं नेस्कैफे चली गई, मेला चलो कुछ खा लेते हैं थोड़ा सा, उधर भी खा के जो है। फिर मैंने थोड़ा सा खा लिया, टाइम पास के लिए खाया मैंने, आइस टी ली, आइस लेमन टी ली, फिर खाया पिया, इतनी देर 10 मिनट हो गए फिर ये आ गए, फिर मैं आ गई गाड़ी के अंदर, मैं आ गई घर वापस। एंड वापस आने की स्टोरी भी आपको मैंने बता दी कैसे कैसे आई हूँ। तो आज फाइनली जिस काम के लिए गई थी वो हो गया, 2 डॉक्यूमेंट्स, एक ही डॉक्यूमेंट था मेरे नोटिस में कि वो लेना है, तो बाई चांस एक और डॉक्यूमेंट था, कहते ये भी ओरिजिनल ले जाओ, तो 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने ले आई, बस यही लास्ट काम था उधर, लास्ट डॉक्यूमेंट यही थे तो वो भी ले आई, तो काम हो गया। फिर आते टाइम फ्रेंड के साथ आए हम, फिर उसने ड्रॉप किया, फिर आगे से मेटाडोर ली, फिर मम्मा पापा मिल गए, तो ऐसे करते करते रूट फॉलो करते करते मैं घर पहुंच गई। बहुत अच्छा लगा यार जाके, बस ये कि वाइब पहली वाली नहीं रही क्योंकि बच्चे नहीं है वैसे, है ना, कोई विरला विरला ही दिस रहा सी, और बट रिसर्जेंस की आज स्टार्ट हुई थी तो मुझे लग रहा था यार मैं भी जाऊँ, बट टाइम नहीं था उतना कि जा पाती देख पाती कुछ, चलो कोई नहीं कभी मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे, अपने टाइम तो काफी इंजॉय किया। तो अभी अर्शी दीदी है, अर्शी दीदी से मिलते हैं, अभी अर्शी दीदी अंदर बैठी हुई है, और इतनी प्यारी लड़की पिंक कलर की मेरे सामने आई। दीदी आज तो आप बहुत सुंदर बनी हो। मैं तो चली गई थी, मुझे पता ही नहीं सुबह से पीछे क्या क्या होता रहा, आप नहा सिर धो गई थी टेलर के पास चलना, इस तरह ही बने दे होंगे, मैं क्या थोड़ा हुलिया भी ठीक है, चल लग गया टेलर तो ही आंदे हैं, सूट ला के रख दिए, सिलवाने भी तो हैं, स्टिचिंग भी तो करानी है, चलो फिर चलते हैं बाहर, नींद तो बड़ी आ रही है मेरे को, चलो क्योंकि अक्षी दीदी ने सूट सिलवाने हैं। हाँ, आपके तो है ही नहीं जैसे, आज मैंने जैसे नानक नगर में ऐसे फोन ऐसे किया ना, वहां से पता नहीं कौन था बोलता है हेलो गाइस, मैंने इग्नोर किया, चलो सामने चलते चलो। हाँ एक बार अच्छी गल है कोई बोलता है हेलो गाइस, फिर मैं डर के भाग के आ गई, सुने आगे से बोला हेलो गाइस, हेलो गाइस ये कोई गाली थोड़ी है ना, एक एंडर रिपोर्टिंग कर रही है तू तो। लैस से लिपटा हुआ है बेचारा, अच्छी लगी हुई है। हम आगे टेलर की शॉप से वापस आ नहीं गए, जा रहे हैं वापस घर, यार बड़ा टाइम लगता है उधर, है ना, लिख के बताओ ये करो पूरा लिख के, ये करना है वो करना है, और भी कस्टमर्स थे, हो गया वाला काम भी, बड़े देर से सूट पे दे सन, चलो मिल जाएंगे अगले हफ्ते, फिर हम बताएंगे आपको फुल
वही कॉटन सूट जो हमने आपको बताया था कि परेड से लाए हैं वही दिए हैं। देखो अभी मैं क्या बन के बैठी, पता नहीं क्या हुआ मेरे को, ये देखो आके मैंने कपड़े भी चेंज किए, वही शर्ट जीन्स डाली है। पहले मेरे को इतनी नींद आ रही थी, फिर चाय पी, पता नहीं अर्शी ने कौन सी एनर्जी वाली चाय बनाई, मुझे ऐसे मन किया यार मैं थोड़ा सा मेकअप करके ऐसे ऐसे से कुछ करूँ हेयर स्टाइल। देखो मैंने बकायदा हेयर स्टाइल भी बनाया है, ये भी लगाया मेकअप भी किया ना। आप लोगों को मैंने थोड़ा सा वो भी बताना था जो आपने पूछा था मेकअप वाला, ऐसे ऐसे इसमें मैंने 3 प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं बस। मेरे को लग रहा है अच्छा लग रहा है यार, पीछे चूड़ा देखने कैसे बांधा हुआ है, ऐसे दुपट्टा लेके लगी हुई थी फोटोज़ खींचने के लिए। बस ये कभी कभी मेरे को शौक चढ़ता है ऐसी हरकतें करने का, बस अभी उतारते हैं यार ये सब, पता नहीं क्या कर रही हूँ मैं। पागलपंती करने के बाद मैंने किया डिनर, पता नहीं मेरे को क्या शौक चढ़ गया था ऐसे रेडी होने का। मम्मी कहती थी थकी हुई लगी थी अपने ही, तू बस फिर डिनर वगैरह किया यार। और अभी हालत सही में जैसे ऐसे वीडियो में नहीं इधर उधर घूम के मेरी हालत ऐसे ख़राब रहती और रात को ऐसे बेड पे पड़ती थी, बड़े देर से ना थकावट वाली नींद नहीं आ रही थी, नींद लेट आ रही थी और आज ऐसे लग रहा है बस पड़ते ही बेड पे सो जाऊंगी यार। सही में यार थकावट हो ना मज़ा सो भी जाता है, बस यहीं बैठ के थोड़ी सी कॉर्ड्स निकाल रही थी एक सॉन्ग की। तो आज का ब्लॉग ऐसे ही था गाइस, अपनी फेवरेट जगह गई थी मैं, दिल भरता नहीं मेरा उस जगह से यार। अब आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं कैसे लग रही हूँ अभी, तो धूप का मैं बोल रही थी, लाइट का मैं ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।